बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नयार, चूँकि आजकल जो सूरत हाल चल रही है टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूब, सो देखिए मैं दोनों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बताते हो दोनों को सपोर्ट करता हूँ। सही है, अगर बात करें यूट्यूब की, फिर बात करें सोशल टिकटॉक की, तो दोनों की अहमियत अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा है। मैं किसी की भी अहमियत के खिलाफ नहीं हूँ, एटली सही है। उसकी असल वजह क्या है, देखिए टिकटॉक्स ने बहुत से लोगों को चैनल्स पे ले गई, बहुत से लोगों को वो टीवी शोज़ पे ले गई टिकटॉक्स की वजह से, उनकी वीडियोस बनाने की वजह से। लेकिन यूट्यूब दोनों अलग चीज़ें, इन दोनों की कंपेरिज़न हो ही नहीं सकती। इन दोनों की कंपेरिज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की, तो देखिए यूट्यूब से आपको बहुत से फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे हैं कि अगर किसी भी माशरे में जुल्म हो, गलत काम हो, तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। आपका ये राइट है, आपके पास ये हक है कि आप 20 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाएं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच, बल्कि आप जितनी चाहे वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक तरफ इस चीज़ की अच्छाई भी है, मुस्बत यूज़ भी है, दूसरी बात यह है कि आप इससे पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। मतलब वो बात नहीं, आप इसकी फाइनेंशियल आप उसको ग्रोथ भी अपना कर सकते हैं। ये दो फ़ायदे हुए। एक और बात ये कि अगर टिकटॉक की बात किया जाए, तो टिकटॉक में ये मसला है कि आप उसमें से कुछ सेकंड्स के बढ़कर वीडियो आप नहीं बना सकती। आपको मतलब स्पेसिफिक वीडियोज़ है जो आप बनाएंगी, उसके अलावा आप वीडियोस को नहीं बना सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, सही है, टिकटॉक के, अच्छा सॉरी, टिकटॉक में आप इतने, अगर किसी माशरे में जुल्म हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। टिकटॉक में आप अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। टिकटॉक पे आप 20 मिनट की वीडियो नहीं बना सकती, सॉरी यार। तो ये दोनों, इन दोनों की कंपेरिज़न हो ही नहीं सकता। अगर कंपेरिज़न आपने करना है, तो आप किन दोनों की कर सकते हैं? देखिए फेसबुक और यूट्यूब की कंपैरिजन थोड़ा बहुत हो सकते हैं। अगर आप टिकटॉक की कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप टिकटॉक की कंपैरिजन कर ले किस चीज़ से, आप इंस्टाग्राम से। तकरीबन इंस्टाग्राम भी फिर थोड़ा बहुत बेहतर है टिकटॉक से। टिकटॉक्स पे अगर आप मशहूर होना चाहते हैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको किसी माशरे के खिलाफ बात करनी होगी, किसी ऐसी मतलब एक दूसरे को गाली दे अगर आप उससे आगे जा सकते हैं। ये मैं आपको ऑन कैम में आपको ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल आप अगर इस तरह काम करेंगे, तो आप आगे जा सकते हैं, सही है। जबकि यूट्यूब पे आना इंतहाई मुश्किल, सॉरी यार ये क्या है, अच्छा यूट्यूब पे आना इंतहाई मुश्किल काम है। दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि यार चैनल बनाओ, वीडियो अपलोड करो, नहीं, बल्कि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। देखिए मुझे अब 2 दिन पहले एक स्ट्राइक मिला, नहीं आज मुझे एक स्ट्राइक मिला। स्ट्राइक सिर्फ इतना था कि मैंने छोटी सी वीडियो में एक कॉपीराइट कंटेंट उसको ऐड किया था, म्यूज़िक को ऐड किया था, तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। अब मुझे 3 महीने वेट करना होगा कि मैं अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक को ख़त्म कर लूँ। अदरवाइज़ जो शख्स है जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक किया है, मैं उसको पे करूँगा, वो मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकता है, और कोई इसका इशू, कोई वो नहीं, हल नहीं है, सही है। तो मसला क्या है, मसला ये है कि टिकटॉक आपको, YouTube पे आपको 100% काम आपने करना होगा, या 95% काम आपने करना होगा, वो 5% YouTube आपको बैकअप करेगा, YouTube आपके लिए करेगा। जबकि TikTok की अगर बात किया जाए, तो TikTok आपको क्या करेगा, TikTok पे आपने तकरीबन 95% काम TikTok खुद करता है, सिर्फ आपने 5% काम करना होगा। अब 5% में क्या है, देखिए आपने सिर्फ दूसरी म्यूज़िक के पे आपने जरा लिप सिंक करनी होगी, मतलब आपने उसकी एक्टिंग जैसा आप कर सकते हैं, सही है, आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल नहीं करते, अपने वॉइस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आजकल के सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं, कोई टिकटॉक्स पे, मतलब कोई कह रहा है टिकटॉक अच्छा है, कोई कह रहा है यूट्यूब अच्छा है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि टिकटॉक और दोनों की, यूट्यूब की कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आपने कंपैरिजन करनी, तो दोनों ऐसी चीज़ों के कर लें जिसकी, जिससे आपको फैसिलिटी दोनों सेम दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसी दो वेबसाइट्स, अब वेबसाइट्स की कंपैरिजन अगर टिकटॉक यूट्यूब से करें, तो वो भी थोड़ा बहुत हो सकता है। वेबसाइट आपको पे कर सकता है, आप उससे पैसे कमा सकते हैं, जबकि यूट्यूब भी आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए दोनों, इन दोनों की कंपैरिजन आप करें, तो शायद आप मतलब कर सकते हैं। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, आप इन दोनों की, सॉरी यार,
थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा हाथ तक गया मेरा, सॉरी। अच्छा, आप उन दोनों की कंपैरिजन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जबकि अगर आप टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक और यूट्यूब की कंपैरिजन, मैं थोड़ा वेट कर ले प्लीज़, यहाँ पे लाइट की कमी है, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है जी। अच्छा, तो दोनों की कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इन दोनों की कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मैं अगेन यही कह रहा हूँ। यूट्यूब आपको पे करता है, यूट्यूब पे आप अगर किसी मुआशरी किसी सोसाइटी में कोई भी गलत काम हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएंगी, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएगा, आप अपने अपने अपनी जज्बात को आप लोगों के सामने रख सकते हो कि इस मुआशरे में हमारी जगह में ये गलत काम हुआ है, इसके खिलाफ मैंने ये वीडियो बनाई। मेरी वीडियोज़ DCAC जहाँ की वो जितने भी सीनियर्स होते हैं हुकूमत के सरबरा, आप उन तक पहुँचा सकते हैं। जबकि टिकटॉक का यूज़ जो कि लड़कों में ज़्यादा है, लेकिन आप इतनी बड़ी काम उससे नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिहाज से यूट्यूब अच्छा है टिकटॉक के मुकाबले में, टिकटॉक इतना अच्छा मेरे ख्याल से नहीं है। खैर, अगर एक तरफ YouTube अच्छा है तो दूसरी तरफ TikTok की भी बहुत सी अच्छाई है। मैंने जैसे आपको बताया कि TikTok पे लोगों ने आकर वीडियोस बनाई, वो लोग चले गए TV शोज़ पे, TV की शो पे बैठकर वो उनसे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसको TV के शो तक किसने पहुंचाया? TikTok ने ही पहुंचाया। अब देखिए, अगर हमारे पठान्स के इस्तेमाल इस पर डिपेंड करता है, हम लोग गलत इस्तेमाल भी इसका बहुत ज़्यादा करते हैं, गाली बहुत ज़्यादा इसमें होती है। जबकि YouTube पे एक और अच्छी बात इसमें ये भी है कि YouTube पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्किल को डेवलप करना है तो आप किस चीज़ पे सीख सकते हैं? आप YouTube पे, अगर आपने लोगो डिज़ाइनिंग, आपने वीडियो एडिटिंग को सीखना है, तो दोनों चीज़ किस तरफ जा रही है? दोनों चीज़ आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप TikTok पे नहीं जाएंगे, आप किस चीज़ पे जाएंगे? आप YouTube पे जाएंगे ताकि वहाँ पे आप सीख ले। सही है। तो अगेन, टिकटॉक अच्छा है, मैं नहीं कह रहा, मैं दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत दोनों अपनी जगह पे अपनी एक अहमियत रखते हैं, दोनों अपनी जगह पे एक ख़ास उसका अहमियत है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि टिकटॉक इतना अच्छा नहीं है जितना यूट्यूब है। अच्छा, एक और चीज़, टिकटॉक पे आप फैन आप लाइक ले सकते हैं, सही है, लेकिन मैंने जितने भी टिकटॉकर्स की यूट्यूब चैनल देखे हैं, लेकिन उस पर उतना बैकअप नहीं आया जितना उसके टिकटॉक चैनल टिकटॉक के अकाउंट पे आ रहा है। मतलब जितने लाइक्स उसके टिकटॉक के अकाउंट पे आ रहे हैं, उतने व्यूज़ उतने व्यूवर्स उतने कमेंट्स उसके यूट्यूब के चैनल पर नहीं आ रहे हैं। तो एब्सोल्युटली यार, अगर इस तरह है तो यूट्यूब बेटर है, बहुत अच्छा है यूट्यूब, बहुत से क्वालिटी यूट्यूब पे है सीखना, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, कॉपीराइट कंटेंट, अगर आप छोटा से भी वीडियोस किसी दूसरे शख्स का इस्तेमाल कर लें तो यूट्यूब की कम्युनिटी से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा, जिस पे आपने जिसने स्ट्राइक मारी उसको आप पे करेंगे। जबकि अब टिकटॉक पे ये नहीं है, आप किसी की भी वीडियो उठा लें, किसी की भी सॉन्ग उठा लें, आप उसके सामने खड़े हो जाए और थोड़ा थोड़ा एक्टिंग कर ले और आप वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब की एक वीडियो कम अज़ कम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से, मतलब टाइम लेगा आपको बनाने में, 4 घंटे भी ले सकते हैं, 5 घंटे, 3 घंटे भी ले सकते हैं, दिन महीने भी ले सकते हैं, इस तरह की वीडियोस जो महीने लेते हैं। लेकिन जब टिकटॉक की बात आ जाए तो मैक्सिमम आपका 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा टिकटॉक, मैक्सिमम 5 मिनट्स आपका लेगा, आपका इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप तकरीबन 2 घंटों में आप तकरीबन 40+ वीडियोज़ बना सकते हैं। तो कंपेरिजन के लिहाज से यूट्यूब अच्छा है टिकटॉक के मुकाबले में, लेकिन टिकटॉक भी थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है। सो ये मेरा ओपिनियन था। सो अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो इससे, आप कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ यार वीडियो को थम्स अप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।